हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी लिमिटेड से लेके, है ना। आज के दिन लगभग 4% के आसपास बंद हुआ है, बट आज इसने 614 रुपए का हाई लगाया था। ठीक है, आज मैं इस स्टेप से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपसे करना चाहूंगा, बट उससे पहले मैं आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहली बात, ये स्टॉक्स हमने दे रखा है, और अभी से नहीं दे रखा, बहुत टाइम पहले से दे रखा है, और लगभग 1 अप्रैल को हमने ये स्टॉक्स अपने ग्रुप में दिया था, जिसमें 116% के रिटर्न अभी तक बन चुके हैं। फॉर अ प्रूफ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा ग्रुप है, 3 मंथ्स से 12 मंथ्स होल्डिंग पीरियड, जहाँ पर आप देखेंगे इंडियन ह्यूम्स, है ना। यहाँ पर देखिए, हमारे टारगेट 590 रुपए के थे जो हमने दिए थे, और आप अगर यहाँ पर जाओगे, चार्ट के साथ हमने यहाँ पर डिटेल्स के साथ भेजा था, 283 रुपीज पर उस टाइम ये स्टॉक्स यहाँ पर चलता था। पिक्चर थोड़ी सी अनक्लियर है, बट यहाँ पर आप देख ही पाओगे 283, ठीक है, और अभी शेयर यहाँ तक पहुंच चुका है 614 रुपए तक। ठीक है, तो इस तरीके के स्टॉक्स हम यहाँ पर देते रहते हैं। आप चाहो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और जुड़ के काम भी कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर केवल 5 महीने लगे हैं, और 5 महीने के अंदर अंदर इस शेयर ने 116% के रिटर्न यहाँ पर दे दिया। अब आप कहोगे, सर इतना रिटर्न दे चुका है, अब आप यहाँ पर बता रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया? तो अभी भी बहुत चीजें इसमें बाकी है, उससे रिलेटेड मैं यहाँ पर बातें करूंगा, इसलिए आपके लिए यहाँ पर वीडियो लाया हूँ। और दूसरी बात, बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स के पास ये हो सकता है, और आपको मेरे कहने पर और किसी और के कहने पर शेयर को नहीं लेना है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करनी है, चीजों को सीखने पर फोकस करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करना है, ताकि वीडियो मिले, वीडियो मिलेगी तो सीख पाओगे। यहाँ पर देखिए बहुत सारी वीडियोस है जिससे रिलेटेड हम यहाँ पर काम करते रहते हैं, बताते रहते हैं। और इंडियन ह्यूम्स मुझे पता नहीं है, शायद मैंने वीडियो भी बनाई हो, ठीक है, शायद नहीं बनाई, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी बातें है। दूसरी बात, अगर आपको यहाँ पर हमारे साथ सीखना है, सीरियस हो, है ना, कैसे यहाँ पर चीजों को पकड़ा जाता है, कैसे आप रख के पैसे बना सकते हो, तो बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च, फंडामेंटल, कब लेना है, कब बेचना है, क्यों लेना है, क्यों बेचना है, शेयर क्यों भागता है, क्यों गिरता है, वो सब चीजें आपको पता चलेगी। 25,000 रुपए का कोर्स है, और 1 जनवरी 2025 से इस कोर्स की कीमत 50,000 हो जाएगी। 3 मंथ्स की एनरोलिंग स्ट्रेटेजी, स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन नोट, सब कुछ दिया जाता है, और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी, बहुत सारी चीजें समझ में आती हुई नजर आएगी। इंडिया का बेस्ट यहाँ पर ये कोर्स है, एक बार आप करोगे तो आप खुद समझोगे। 8860540501, 8169260037, दोनों नंबरों को सेव कर लीजिए, और साथ में काम भी करना है तो भी इन नंबरों पे कांटेक्ट करके आप हमारे साथ मिल सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडियन न्यूज की अगर बात करें, आज के दिन ये शेयर 614 रुपए बंद हुआ, लगभग 12-13% ऊपर था। उसके पीछे का रीजन क्या है? तो उसके पीछे का रीजन ये है कि इसमें एक न्यूज आई थी, मैं अगर यहाँ पर आपको यहाँ पर ये शेयर से रिलेटेड डालू, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। एक मिनट दीजिएगा मुझे। ओके, यहाँ पर देखिए इंडियन न्यूज, तो यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको न्यूज में यहाँ पर पता चलता हुआ नजर आएगा। एक मिनट दे दीजिए मुझे। तो यहाँ पर आप जाओगे इनकी साइट्स पे तो आपको पता चलेगा लगभग ये शेयर 14% भागा था। इन्हें एक ऑर्डर मिला है 858 करोड़ रुपए के आसपास का, इसलिए 14% पे भागा था, ठीक है। बट इससे पहले जब ये ऑर्डर नहीं मिला था, उससे पहले हमने शेयर दे रखा था, है ना। कैसे अच्छे शेयरों को पकड़ना है वो हमें पता है, तो उस तरीके से हम यहाँ पर काम, जिस तरीके से हम अपने प्रिंसिपल रूल्स और चीजों को देख के काम करते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पर इस शेयर को पकड़ा था। द इंडियन न्यूज से आप देखिए, इनकॉर्पोरेटेड 1926, द कंपनी इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, लेइंग एंड जॉइनिंग द पाइपलाइन, द कंपनी हैज आल्सो बीन अंडरटेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बाय वे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑन टर्नकी बेसिस ऑफ द कंबाइंड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। तो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है ना। द कंपनी आल्सो मैन्युफैक्चर एंड सप्लाईज कंक्रीट रेलवे स्लीपर टू इंडियन रेलवे, है ना, तो इंडियन रेलवे के लिए काम करती है। और जो अभी ये ऑर्डर मिला था, ये ऑर्डर किसके लिए था, ये भी कहीं ना कहीं सिंचाई से रिलेटेड ही यहाँ पर ऑर्डर मिलता हुआ इन्हें नजर आया, जिसके 14% भागा था, बट बंद 4% पे हुआ है, और जो हमारे टारगेट थे वो यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आए। आगे क्या है वो हम आपको बताएंगे। तो कंपनी से रिलेटेड और जानते हैं, आप इनकी वेबसाइट पर जाइएगा तो आपको और आइडिया लग जाएगा। होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है कि कंपनी यहाँ पर पाइपलाइन से रिलेटेड यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है। मार्केट कैप देखिए, स्मॉल कैप कंपनी है, 2954 करोड़ रुपए की कंपनी है। स्मॉल कैप की बात करूँ तो दो चीज याद रखनी है, पहली हमारी एक्सपर्टीज इसमें है, ठीक है, हम जब काम करते हैं तो हम ऐसी छोटी कंपनी में ही काम करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जब मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो
तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब शेयर भागता है तो बड़ा अच्छा नजर आता है आपको, कुछ ही महीनों में 100% तक के भी रिटर्न मिल जाते हैं, है ना। बट जब गिरता है तो उसी तरीके से गिरता भी है कि 590 रुपए वाला स्टॉक्स कब गिरते गिरते यहाँ पर 100 रुपए पे आ गया था, और आपकी जितनी भी वेल्थ थी उसका लगभग 70% लेके चला गया था। सही टाइम पे लेना बेचना बहुत जरूरी है, और वो ही सही टाइम और लेना और बेचना हम यहाँ पर बताते हैं, वो ही हम यहाँ पर पकड़ते हैं, और उसी से थ्रू हम यहाँ पर पैसा बनाते हैं। पी की बात करें, 29 का पी है, और उसके लिए क्या करना है, आप यहाँ पर सीखना चाहते हो सीख लीजिए, काम करना है तो यहाँ पर काम कर लीजिए, कॉल मैसेज व्हाट्सएप आप कर सकते हो। स्टॉक पी 29 का है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 25 का है, तो अब थोड़ा सा महंगा हो गया, जो हमने बताया था तब काफी यहाँ पर सस्ता था। आरओसी आरओई की बात करें कुछ खास नहीं है, अगर कोई बड़ा लोग होगा जो इस इन्वेस्टर होंगे वो इस चीज को देख के बिल्कुल भी नहीं लेंगे, और मैं हमेशा कहता हूँ पी आरओसी आरओई एक मिथ है, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट के बेसिस पे नहीं चलती, थ्योरी पढ़ने में अलग चीज होती है और जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो अलग होता है, तो उस चीज को देखना है। 62% का कंपनी के ऊपर डेट है, 30% की प्लेजिंग भी है। यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 3.57, क्योंकि 157 का यहाँ पर बुक वैल्यू है। एंड यहाँ पर देखिए सेल्स टू प्राइस, तो यहाँ पर ये सब चीज दे रखी है, तो आप चाहो देख लीजिए, 2 की फेस वैल्यू है। आगे जाकर स्प्लिट भी हो सकता है, यहाँ पर कंपनी क्या है डिविडेंड भी देती हुई नजर आती है, तो ओवरऑल हम देखें तो ठीक ठाक यहाँ पर चीजें नजर आती है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी यहाँ पर लगातार अच्छा खासा काम कर रही है, बीच में कभी ज्यादा हो जाती है सेल्स, कभी कम हो जाती है, हाँ कभी ज्यादा कभी कम, इस तरीके का यहाँ पर चलता रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस बार की सेल्स 364 करोड़ के आसपास थी, जो कि ईयरली बेस पे काफी अच्छी है, क्वार्टरली बेस पे थोड़ी कम है। प्रॉफिट भी देखोगे 29 से 58%, अच्छा खासा मार्जिन है कंपनी का, कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। पिछले 2-3 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर कंपनी की नेट प्रॉफिट है। ईयरली बेसिस पर देखोगे तो लगातार धीरे धीरे यहाँ पर कंपनी की सेल्स बढ़ी है, ठीक है, बीच में कम हो गई थी फिर बहुत धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो 100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट तक पहुंच गई है, 2017 में ये प्रॉफिट हुआ करता था, ठीक है, अब दोबारा यहाँ पर पिछले 12 महीने में 100 करोड़ के प्रॉफिट तो पहुंच गई है। रिजर्व्स की बात करें 819 करोड़ के रिजर्व्स है, लगातार बढ़ रहे हैं जो कि अच्छी बात है। बोरिंग की बात करें, बीच में बोरिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जो अभी यहाँ पर धीरे धीरे करके एक साल में कम करती हुई नजर आए हैं। 1 करोड़ रुपए वर्किंग प्रोग्रेस में, इन्वेस्टमेंट 76 करोड़ का, और कैश की बात करें कंपनी के पास 42 करोड़ का कैश भी है। तो फंडामेंटल्स कैसे है, फंडामेंटल्स धीरे धीरे सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, फाइनेंशियल सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, और कंपनी कहीं ना कहीं अच्छा खासा अब यहाँ पर काम कर रही है। बट हाँ याद रखिएगा, सही टाइम पे लेना सही टाइम पे बेचना, अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो याद रखिए स्मॉल कैप आपको ऐसे झटके देकर जाएगी कि आपकी वेल्थ ले ले जाएगी। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट काम आता है वहां पर। रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, काफी बार मैंने बात करी है, शायद हमारे प्लेलिस्ट में जाओगे तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है, तो आपको मिल जाएगी। बट स्टिल यहाँ पर जब सीखोगे तो और मजा आएगा, अलग ही बात होती हुई नजर आएगी। आगे बात करते हैं, पॉजिटिव कैश फ्लोज यहाँ पर नजर आते हैं कंपनी के, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर जाओगे तो कॉर्पोरेट एक्शन देख लीजिए। स्प्लिट की बात करें तो 2010 में लास्ट स्प्लिट हुआ था। बोनस की बात करें, 2 बार कंपनी यहाँ पर बोनस दे चुकी है। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी हर साल डिविडेंड देती है, कभी 1 रुपए, कभी 2 रुपए, कभी 2.5 रुपए, कभी 3 रुपए। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको पता चलेगा कंपनी के प्रमोटर्स 72.34% की होल्डिंग रखते हैं, मार्च 2023 में 69% था, है ना। और अभी की बात करें 1.25 साल के अंदर अंदर, 1.5 साल के अंदर अंदर यहाँ पर 72% हो गई है। FIs की बात करें, FIs धीरे 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 हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। DIs की बात करें, 2% के आसपास DIs भी आए हैं। पब्लिक की बात करें, पब्लिक 24% है। अब जैसे ऐसे लोगों को पता चल रहा है, लोग वैसे कूद रहे हैं, ठीक है। जब हमने यहाँ पर वीडियो बनाई थी तब लगभग यहाँ पर सॉरी जब हमने यहाँ पर बाई किया था, ये 24,000 के आसपास यहाँ पर सॉरी 26,000 यहाँ पर लोग हुआ करते थे, अब और ज्यादा इन्वेस्टेड हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है, 1.79% की होल्डिंग रखती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेफरेंस 2023 में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट यहाँ पर अच्छा खासा हुआ था। बल्क डील की बात करें तो बल्क डील यहाँ पर आपको देखनी है। इनसाइडर ट्रेडर्स यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल हम देखें कंपनी यहाँ पर धीरे धीरे अभी ठीक करती हुई नजर आ रही है, ठीक है, अच्छा खासा काम करती हुई नजर आ रही है। और जो ये ऑर्डर मिला है, ये ऑर्डर कहीं ना कहीं ये बूम करता हुआ नजर आएगा इस स्टॉक्स को, ठीक है। बट उसका जो रिएक्शन था वो यहाँ पर हो गया है, लगभग आज हम देखे 14% शेयर भागा था, और भागने के बाद शेयर गिरता हुआ नजर आया। तो अब क्या, तो सबसे पहली बात तो हमारे टारगेट कंप्लीट हो गए, ठीक है। हम जैसे ही शेयर लेते हैं उस टाइम हमारे टारगेट अच्छे खासे कंप्लीट होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हम अच्छे शेयरों में यहाँ पर काम करते हैं। आगे क्या,
सबसे पहले आगे बढ़ेंगे, टेक्निकल से रिलेटेड बातें करेंगे, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट ऑल, नोटिफिकेशन कौन करें, बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है, चीजें सीखनी है और इन नंबरों को नोट करके काम कर सकते हैं हमारे साथ, आप हमारे साथ सीख सकते हैं, आपको चीजें समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो टारगेट था वो टारगेट अचीव होता हुआ नजर आया, ठीक है, 590 के आसपास का हमारा टारगेट था वो अचीव हो गया, और उसके बाद चीजें और भी ऊपर गई और नीचे आ गई, ठीक है, हमारे यहाँ पर पैसे बने। आगे हम बात करते हैं, तो अभी क्या नजर आता है आज के दिन, जो न्यूज बेस यहाँ पर बाइंग थी, काफी लोग यहाँ पर फंसे भी होंगे, ठीक है, 5 मिनट का चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा, लगातार एक बार भागा और भागने के बाद लगातार यहाँ पर गिरावट हुई, अभी क्या नजर आता है, अभी क्या नजर आता है उससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। हो सकता है कि ये शेयर यहाँ पर ही थम जाए, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करे और सीधे भागता हुआ नजर आए, बट एग्जैक्टली करना क्या है, एग्जैक्टली ये करना है, ठीक है, चीजों को थोड़ा सा आने दीजिए, चीजें बहुत ज्यादा भागी है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन में जाए यहाँ पर, और ये शेयर 2-3 महीने यहाँ पर कंसोलिडेशन करे। मार्केट की बात करें, मार्केट में स्मॉल कैप में थोड़ा सी गिरावट हुई है, उसने अपना सपोर्ट तोड़ दिया है, तो उस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है, मार्केट के हिसाब से यहाँ पर काम करना है। दूसरी बात देखें, दूसरी बात यहाँ पर आप देखोगे तो चीजें यहाँ पर अपने थोड़ा सा वीकली चार्ट पे आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसने अपना जो ऑल टाइम हाई था उसे ब्रेक किया, ऑल टाइम हाई यहाँ पर टच करता हुआ नजर आया, और उसके बेस पे जो यहाँ पर टारगेट आ रहे हैं, ठीक है, वंस ये स्टॉक्स अपना ये वाला हाई निकालेगा, ठीक है, वंस ये स्टॉक्स थोड़ा गिरने के बाद कंसोलिडेशन कर लेगा, अगर ये शेयर 500 के आसपास आता है तो शायद आप कुछ छोटा सा स्टॉप लॉस 2-3% का रख के यहाँ पर काम कर सकते हैं, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके, और जैसे ये शेयर यहाँ से निकलेगा तो हमारे जो टारगेट है नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया कि अभी चीजें खत्म नहीं हुई है, ठीक है, हमारे टारगेट लगभग लगभग 1,000 रुपए के आसपास के यहाँ पर टारगेट आ रहे हैं, ठीक है, और ये लगभग 80% के आसपास के टारगेट होते हैं, अच्छे खासे यहाँ पर टारगेट है, बट मेरे कहने पर, किसी और के कहने पर आपको यहाँ पर बाइंग नहीं करनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीजें यहाँ से काफी लोग ऊपर फंसे होंगे, उन्हें वेट करना होगा, उन्हें सही तरीके से डिसीजन लेना होगा, अब डिसीजन क्या कैसे लेना है तो वो यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो, कोशिश करूंगा जवाब देने की, बट स्टिल यहाँ पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करिएगा, चीजों को सीखिएगा, और आप मेरे साथ काम कर रहे होगे तो आपको यहाँ पर चीजें समझ में आ ही जाएगी। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो चीजें थोड़ी सी मुझे लगता है कि 541 से लेके 500 रुपए तक ये चीजें आनी चाहिए, आ जाती है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आएगी। आज की जो गिरा, आज ये शेयर भागा है तो ये पूरा ट्रैप था, वो पूरा समझ में आ ही रहा था, तो चीजों को ध्यान से समझ के तब काम करोगे तो पैसे बनेंगे, सही टाइम पे लोगे तो पैसे बनेंगे, सही टाइम पे नहीं लोगे, आप ऐसे ही आंख बंद कर चीजों को लोगे तो पैसे बनने की जगह पैसे जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि इस तरीके के वीडियो मिलते रहे, सीखने की कोशिश करें, कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, अभी 50% का ही ये समझिए डिस्काउंट है ना, 1 जनवरी 2025 से यही प्राइस यहाँ पर 50,000 हो जाएंगे, तब और थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, बट उसके अल्टरनेटिव मैं आपको कुछ ऐसा भी देता हुआ नजर आऊंगा कि आपको वो 50,000 बाद देने पड़ेंगे। नंबर को नोट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।